बस हमारा नाम ना लीजिए, ना हमने आपका कहीं लिया है और ना हम आगे लेने वाले हैं। यहाँ पे हमारी बहुरानी का होगा बेबी शॉवर, क्योंकि छोटा सा है, ऑन द स्पॉट प्लान बनाया है, तो ये भी सारा घर का डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे बेबी शॉवर लिख देंगे और यहाँ पे केक देखो, केक देखो कितना सुंदर सा बना हुआ है, बेबी बॉय बेबी गर्ल। और यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं। चलो आप लोग ये बताओ कि क्या होगा नीलम के? बॉय बॉय, मी टू बॉय, बताओ क्या बॉय 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 की बात क्यों उड़ा रहा है? बताओ एक मिनट, माँ भी बता क्या होगा नीलम के, क्या होगा नीलम के? बॉय। अम्मा बॉय, क्या होगा प्रियंका दी? नितेश जी, नितेश जी लुक एट मी, हेमंत काका जी, मैं और पूछ के आती हूँ बाकियों को, एक मिनट, बड़े पापा आप बताओ नीलम के क्या होगा? मैं तो चाहूँ पोतू यहाँ, मैं तो पोते नहीं चाहूँ। अब मैं आपको बताऊँ, आप सबको ये लगेगा कि हम सब बॉय 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 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी पोती है ऑलरेडी, तो हम सब बेइम्तहा बेटे को वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखो दादियां हैं, और अगर बेटी होगी तो हम और ज़्यादा खुश होंगे, नो डाउट, बहुत खुश होंगे, बट बेटा होगा तो और भी ज़्यादा खुश। तो सारा का सारा हमारे कान्हा जी के हाथ में है कि कान्हा जी हमारे घर में मस्त वाला एक पोता दे देना जल्दी से जल्दी। और आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना काफ़ी टाइम से कि नीलम कहाँ है, नीलम दिखती नहीं है, तो नीलम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, तो हम इसको ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा फंक्शन था तो नीलम आई थी। नीलम प्रेगनेंसी के प्यारे से जोन में है, आपको नीलम से भी मिलवाते हैं। नीलम और आनंद, सबसे पहले पूछते हैं आनंद भैया को, आनंद भैया बताओ बॉय या गर्ल? दोनों में खुश है, लड़का हो चाहे लड़की, बता दोनों में या फैमिली बॉय को पसंद? फैमिली बॉय नहीं, फैमिली बॉय को नहीं, फैमिली कंप्लीट होने को मांगती है। जैसे मैंने लड़की मांगी थी भाई मेरी फैमिली कंप्लीट हो, ऑब्वियसली इसीलिए हम सारों ने, सारों के सारों ने यही बोला है कि नीलम के बेबी बॉय होगा। अब आप लोग बता दो क्या होगा, जो भी होगा बस खूब सारी ब्लेसिंग हो, हमारा जच्चा बच्चा दोनों खुश हो, दोनों ठीक हो, इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। सो खूब सारी ब्लेसिंग देना इन दोनों को। और अभी आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है, अंदर वो तैयार हो रहा है। इधर आ, इधर इधर आ ना लल्ला, बता तेरे क्या होगा? अच्छा काना होगा कि राधा रानी होगी? काना, हाँ खाता खाता। तो यहाँ पे छोटा सा रूम डेकोरेट किया गया है और आनंद भैया और नीलम को बोला है कि अपनी आईज क्लोज करो, तो इंदु गई है, दोनों को आंखें बंद करवा दी और हम पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ गई हैं। और अब आगे सुनना हम लोगों ने क्या क्या गाना गाए हैं और कितनी क्लास ली है इन दोनों की, देख पूरी फैमिली एक साथ ही ना, तो ऑन द स्पॉट ही ये वाला प्रोग्राम रखा गया। तो यहाँ पे बेबी शावर का, मॉम टू बी डैड टू बी का है, महेश भी आमादी पहना रहे हैं आनंद भी और नीलम को। और अब आप सोच रहे होंगे कि नीलम ने ये वाली साड़ी इतनी प्लेन क्यों पहनी है, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी 3 मंथ्स पहले नीलम के पापा जी एक्सपायर हुए थे, उस वजह से नीलम इतने भारी दुख से उभर ही नहीं पा रही थी, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी करने का। लेकिन पूरी फैमिली, हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा बच्चा जो है घर पे खुश रहे। आज के टाइम में बहू बेटी से भी बढ़कर होती है, तो हमारी नीलम हमारी बहुरानी है जो कि हमारे जेठूती की वाइफ है, और हम 3 देवरानी जेठानियों के बीच में ये एक हमारी प्यारी सी बहुरानी है। और उसके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा था, तो ठीक है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम सब यही कोशिश कर रहे थे पूरी फैमिली की, ये हंसे थोड़ा खुश रहे, ताकि जो हमारा नन्ना मेहमान है वो भी खुश रहे, हंसता खेलता रहे, है ना, क्योंकि माँ खुश रहती
रहती है तभी बच्चा खुश रह पाएगा। और बाकी नीलम की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत हार्ड रही थी क्योंकि इसी दौरान उनके पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो बहुत 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 ही बुरे दिन थे उसके, बहुत ही बुरे। तो यहाँ पे ना हम लोगों की तरफ से उसको नारियल था जो भी दिया जाता है, साड़ी थी, ओढ़ना था, चांदी का सिक्का था, मतलब जो भी दस्तूर होता है फैमिली की तरफ से। तो फिर इसने बोला था कि नहीं मैं लाल तो कुछ भी नहीं पहनूंगी। एक और बताऊं कि हमारे में ऐसे बोला जाता है कि कोई बड़ा तीज त्यौहार कुछ आता है तभी पक्का उतारना होता है। यहाँ पे ये रो रही थी तो मैं बोली प्लीज़ तू रो मत, मुझे भी ऐसे देख के बुरा लग रहा था। बुरा तो यार लगेगा ही ना यार, इतनी छोटी उम्र में इसके पापा जी एक्सपायर हो गए, तो फिर ये दिन तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। इस वजह से हम सारे यही थे कि भाई बस ये खुश रहे। तो यहाँ पे दीदी लोगों ने बोला तो उसको यही वाली लाल साड़ी ओढ़ाएगी। यहाँ पे नीलम बोल रही थी नहीं चाची जी मैं नहीं ओढ़ूंगी, लेकिन यार ओढ़ना तो पड़ेगा ना, खुश तो रहना ही पड़ेगा। उसके पापा भी ऊपर से इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इससे क्या है कि इसके इसके बच्चे पे भी बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनली थोड़ी सी मानी तो हमने इसको तिलक लगाया, उसको थोड़ा सा हंसा रही थी, मैं बोली थी प्लीज़ नीलम हंस दे। यहाँ पे चाचा अपने भतीजे को प्यार कर रहा था क्योंकि यार ये बेबी शॉवर, ये प्यारा दिन, ये दिन जिंदगी भर याद रखने वाला होता है, कोई नहीं भूल सकता है ये पल, ये मोमेंट, बस जी लें। ये 9 मंथ्स की जो जर्नी होती है ना वो रिसेंटली मैंने जी है, बहुत हार्ड थी मेरी भी बट बहुत ही मेमोरेबल थी, बहुत बहुत। तो हम सब यही कोशिश कर रहे थे कि हमारे नीलम के भी बहुत मेमोरेबल रहे, वो बस खुश रहे, हंसे। देखो मैं प्यार कर रही थी यार, प्यार तो बनता है ना। फिर मैंने इसके हाथ में कान्हा जी दे दिए कि लड्डू गोपाल जी मेरे नीलम को, आनंद भैया को, हमारे नन्हे मेहमान को खूब सारे खुश रखे, हमारे कनोड़ी को भी क्योंकि हमारे नीलम की, आनंद की एक बेटी भी है। तो यहाँ पे कान्हा जी जो है वो ऑलरेडी ये वाले नीलम के ही हैं, मतलब मेरे जीरजी के ही हैं कान्हा जी। तो मैंने बोला ये झोली में पहले सबसे पहले कान्हा जी को दूंगी कि कान्हा जी जहाँ रहेंगे ना वहाँ सारे दुख एक तरफ है, सुखों की बरछार हो जाती है, ये हम पूरी पूरी फैमिली ये मानती है। फिर यहाँ पे ये वाली ओढ़नी मैंने दी थी, मैंने बोला ओढ़नी ही दूंगी, ओढ़नी के अंदर सारा सामान रखा जाता है। और ये ओढ़नी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसी से कान्हा जी को भोग लगाया गया था, तो ये भोग वाली ओढ़नी हमने नीलम को दे दी थी। यहाँ पे जीरजी बता रहे हैं कि ये सामान इसे डाल दे, तो ये साड़ी हमने एक ओढ़ा दी, एक साड़ी है, जो भी चीज़ें दस्तूर होती है, जो नियम होता है वो हमने यहाँ पे नियम पूरा किया। वहाँ से मेरे को जिठानी ननद सब कोई मुझे बता रहे थे ऐसे ऐसे करना है, ओढ़नी को नीचे रखना है और जो साड़ी का जो ओढ़ना होता है उसके अंदर ये सामान रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसके अंदर ये सारा रखा। और आप लोगों के ने जो ये गाने मस्ती सुनी है ना वो इसलिए है कि नीलम थोड़ी सी हंस ले, उसको थोड़ा सा खुशी मिले, क्योंकि माँ खुश रहेगी तभी बच्चा खुश रहेगा और माँ को खुश रहना इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारी मजबूरी होती है। फिर यहाँ पे मैंने मेरे बेटे को, मतलब आनंद भैया मेरी जेठू थी हैं तो मेरा बड़ा बेटा ही है, मेरे घर पे आनंद भैया, नितेश भैया, महेश भैया, दीपू भैया और हेमंत, मेरे 5 बेटे हैं तो उस हिसाब से ये हमारे ये मानना होता है। और मेरी बेटियाँ तो आपके सामने है सारी हैं। तो बस यहाँ पे हम दोनों ने प्यारा सा दोनों को आशीर्वाद दिया, खूब सारी बधाइयाँ दी कि भाई चूड़ा चूनड़ी सुहाग अमर रहे और बच्चा बहुत ही अच्छे से हो, स्वस्थ हो। आनंद गा रहे, आनंद गाने गा रहे, आनंद की तरफ मैं गा रहा हूं, मैं हमेशा भी ले सके गाने ने। जब से हुई ये शादी आंसू बह रहा हूं, आफत गले पड़ी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से खोल भरा दी, नीलम की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। तो अब बारी है घर के सारे बड़ों की, सब कोई आएंगे, सब कोई आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहले दीदी ने बोला था मैं आऊँगी, तो दीदी के साथ अम्मा आ गई, बोली हम दोनों बहने बहने करेंगे साथ में। तो यहाँ पे दीदी बैठ गई, यहाँ पे अम्मा बैठ गई और हम लोगों ने सबने फ़ोटोज़ क्लिक करवाया, सबने आशीर्वाद दिया नीलम को और सबने मुँह मीठा करवाया और बस इन्जॉय किया हमने कि थोड़ा सा नीलम भी खुश हो जाए, थोड़ा एनवायरमेंट चेंज हो जाए। यहाँ पे जेठ जी जेठानी जी भी आ गए, उनको थोड़ी शर्म आ रही थी पहले। यहाँ पे हो रहा है शावर का शूट, जो कुछ लोग नीचे रहते हैं ये लोग के बारे आने वाली है। अम्मा का शूट हो गया है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा जी जा रहा है, जाओ भैया मिचला की नहीं मिचला जाओ। ओए दीदी सारा शूट ले रही है, फिर तुम लोग चले जाना। चॉकलेट चखाएंगे।
तो यहाँ पे ये हैं बीच वाले काका ससुर जी, काके सास नीलम के, और यहाँ पे पिंटू नितेश भैया सबको आ रहे थे। नीलम बार बार रो रही थी, हम बस कोशिश कर रहे थे कि वो हंस दे, वो खुश रहे। और यहाँ पे लोग सब थक गए थे क्योंकि सुबह के एक जैसे लगे पड़े थे और आज का दिन ना बहुत ज़्यादा हार्ड था। बैक टू बैक फंक्शन थे, सबसे पहले सुबह केशवी का फंक्शन, शाम तक होते होते लाले का डेकोरेशन फंक्शन, और फिर रात को ये बेबी शॉवर। और एट द एंड जब सोने गए ना तो सुबह के 5 बज गए थे। फिर प्रियंका दीदी ने बोला मैं भी कुछ खिला देती हूँ, खाली फोटोज वीडियो से ना बनाऊंगी। तो बोले जो आपको पसंद है वो आप थोड़ा सा खा लो, बाकी मैं खा लूंगी, टेंशन मत लो। तो बस हम लोग सब हंसने लगे। तो बच्चे बोले हम क्यों पीछे रहे, हेमंत भी आ गया, राघव भी आ गया। तो इंदु बोली अरे मैं क्यों पीछे रहूं। तो इंदु ने भी बहुत प्यार सा फोटो क्लिक करवाया, तो सबने खूब सारी मस्ती की। अरे तो सबसे छोटी हमारी केशवी है, हाँ जी वो कैसे पीछे रहे, ये घर के बड़े भैया भाभी हैं और केशवी इनकी सबसे छोटी ननद। तो यहाँ पे बड़े वाले जेठानी जी के जाने का टाइम आ चुका है और अब हमारे भी जाने का टाइम आ रहा है। पूरा घर वापस सेट कर दिया है, वहाँ पे देखो कितनी सकुटी दिखा रहा है, वहाँ पे सारा सजावट था जो कि वापस सारा ठीक करके सोफा अपनी जगह पे लग चुका है। यहाँ पे मेरी केशू रानी मेरे गोद में खेल रही है, कल केशू को खाना खिला दिया था हम लोगों ने। लेकिन अभी भी केशवी को ना पूरा 5-6 मंथ कम्प्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम उसको वापस शुरू करेंगे खाना खिलाना। और भी बहुत कुछ था पर शूट करने का नहीं हो पाया क्योंकि मैं बुरी तरीके से थक चुकी थी। और ये सारा जो डेकोरेशन है ना, ये मतलब हटाने का मन ही नहीं तरीका, ये डेकोरेशन ना हटाने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ठीक है, अच्छा लग रहा है। मेरी चिड़िया का इतना सुंदर सा डेकोरेशन है। अब जो कुछ सामान यहाँ से लोग गुड़गांव जाने वाला है वो सारा पैक कर रहे हैं, और दीदी और अम्मा अपने लाले को ले गए, बड़ी भाभी अपने लाले को अब लेके जाएगी, बीच वाली भाभी अब लेके जाएगी, फिर मेरा लाला वापस अकेला हो जाएगा। जैसे हम लोग अकेले उधर दिखा ना लाला को सारा, को ये देखो ये सारे लाला एक जैसे ड्रेस में कितने सुंदर भी लग रहे हैं ना। तो बस अब हमारे भी जाने का टाइम है, जो कि आज रात को निकलेंगे या कल सुबह निकलेंगे देखते हैं। फटाफट से घर पैक कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने। अब वापस बैक टू रूटीन, बैक टू गुड़गांव। हेमंत भैया की स्कूल है, हेमंत खेलने गया हुआ है और बड़ी भाभी अपना काम करवा रही है। सो फाइनली ड्रेस चेंज कर ली है, जेठ जी जेठानी जी चले गए हैं, हेमंत दूसरी गाड़ी में रवाना हो गया है क्योंकि उसके कल स्कूल है तो उसको मिस नहीं करा सकते हैं। और अब हम रवाना होंगे, हम रवाना हो गए गुड़गांव की तरफ। जेठू जी और सुनील भैया गाड़ी चला रहे हैं, केशवी मेरे गोद में है, पीछे माधवी सो रही है और केशवी बस रो रही थी तो मैं इसको गोद में ले ली। फाइनली हम घर आ गए और घर आके थोड़ी सी केशवी की तबीयत ख़राब चल रही थी तो ज़्यादा हमने शूट नहीं किया। अगर बात करें उस दिन की तो बहुत ही प्यारा सा दिन था, हेक्टिक था, बहुत बड़ा था लेकिन बहुत प्यारा था, बहुत चीज़ें हुई क्योंकि वो दिन शुरू ही सुबह 7 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक ऐसा था। और सोए नहीं उस दिन, 2-2 घंटे सोए मुश्किल से, रात भर तो झोंपड़े बना रहे थे सब। मतलब उसके पहले भी 2-3 दिन सोना हुआ ही नहीं, आप लोगों से शेयर किया ही था मैंने। बट ऑल एंड ओवर सारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, जन्माष्टमी अच्छे से हो गई, केशवी का भी हो गया और नीलम आनंद का भी हो गया, सब अपने अपने घर गए। और हम लोग सब मिस कर रहे हैं अब एक दूसरे को, पता है हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, सब में यही मैसेज जा रहे हैं कि यार वो फंक्शन कितना मस्त था। लेकिन आगे और फंक्शंस आने वाले हैं, अभी 15-20 दिन बाद आपको एक फंक्शन दिखेगा ही, बट उसके बाद भी एक बहुत बड़ा सा फंक्शन होने वाला है। बस आप सब प्रे करना सब अच्छे से हो जाए, तब सब अच्छा ही होगा, धाम मालिक की कृपा होगा क्या। और गुड़गांव आने के बाद मैंने कोई शूट किया ही नहीं यार, यहाँ पे इतना ज़्यादा हैट्रिक शेड्यूल होता है मेरा। नहीं कैसी की तबियत भी ख़राब है ना, पहले हेमंत को, अभी भी मैं व्लॉग कब बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ, ये देखो हेमंत का वायरल हुआ 3:30 बजे, इसको एंड कर रही हूँ क्योंकि केशवी स्टिल रो रही थी, उसको बहुत फीवर था तो उसको अब भी जस्ट सुलाया है, सुला के अब आई हूँ कि भाई मैं ये वाला व्लॉग एंड कर दूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट चल रही हूँ तो इसको भी करना ज़रूरी था। तो बस आप लोग हमेशा बोलते हो ना यार कि आप टाइम कैसे निकालते हो, टाइम बस मेरी खुद की लाइफ में से थोड़ा, और ज़्यादातर मैं मेरे सोने के टाइम में से टाइम निकालती हूँ, जितना भी शूट वगैरह होता है वो भी रात को भी करती हूँ और एडिटिंग होता है वो भी रात को करती हूँ, जब केशवी सो जाती है बस मेरी नींद में से मैं वो टाइम निकाल लेती हूँ कि भाई करना पड़ता है भैया ये सब, तो करना पड़ता है, देखो वो दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, बस वही बात है और क्या है। और पहली ब्लॉग एंड करने से पहले हम कुछ बारे में, और आगे भी ऐसा रहेगा कि हर बार बात करेंगे कुछ ना कुछ जो अच्छे टॉपिक होंगे उन पर, है ना। और आज भी हम 2 अलग टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे, अब जिस टॉपिक पे बात करने वाला उस पर तो करने भी नहीं, करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ
और ना ही सोचा था कि कभी करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की लीला को कौन लग सकता है। हम बात करना चाहते थे सपना जी के लिए जो अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, चाहे मान लीजिए उनका पूरा परिवार किसी भी एंगल से गुजर रहा हो, भगवान ने सच में बहुत बुरा किया बहुत उसके साथ, उसके साथ बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो जो भी हो, जो चीज़ें सुधरनी चाहे सुधर सकती हो वो सुधर जाए, हर परिवार में तो अच्छी है। नहीं सुधर पाए तो कम से कम अपने अपने वे में सब अच्छे से जिए, सिद्धांत होना चाहिए, जिए जियो और जीने दो, ऐसे रास्ते होने चाहिए इंसान के लिए। चलिए फिर भी अब, लेकिन जिस मैटर पर हमें बात करनी है हमें उस पर नहीं करनी थी उस पर कर रहे हैं। देखिए अभी एक कोई, मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगा, एक कोई विवाद चल रहा है, वो भी बड़ा घटिया लेवल का, हाँ बहुत लो लेवल पे चल रहा है। मैं ना तो किसी को कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा आप लोग हमारा नाम मत लीजिए, ना तो डायरेक्ट वे में, हाँ ना डायरेक्ट वे में ना इनडायरेक्ट वे में, हमारा कहीं किसी तरह का कोई रोल नहीं है। पब्लिक को आप गुमराह मत कीजिए, सीधी सी बात यह है। आप सब समझते हैं कभी आप किसी बात का अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं या फिर मैम नाम ले रही हैं जिनका इनसे विवाद चल रहा है, तो आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, दोनों पक्षों से, लोग तीनों, तो ज़्यादा दोनों पक्षों से, हमें क्या लेना देना है। आप जानते हैं हमें, हमने पहले भी कभी किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया, आगे भी नहीं करने वाले। रही बात हम डर रहे हैं ये है, वो आप हमें जानते हैं हम कितना डरने वाले हैं, अच्छे से जानते हैं आप लोग, है ना। पहले भी जो चुप हुए थे वो आप बहुत अच्छे से जानते, अच्छे से जानते हैं। इन बातों को मत घसीटे, जो बातें खत्म हो गई, जिन अच्छे इंसानों ने इन बातों को खत्म करवाया है कुछ सोच के, उनको उनकी महिमा को तो समझिए, है ना। और आप तो, जो जिस लेवल में बोल रहे हो वो सोच आपकी है, शायद आप ऐसे करते होंगे। आप तो बार बार कभी किसी रिएक्शन चैनल को बोल देते हो, कभी किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देते हो, जब देखो हर किसी ने हर किसी को यही बोल दो कि खरीद लिया है कुछ भी, हमें मत घसीटो। कभी आप नाम ले लेते हो, कभी हमने लिया आपका नाम कहीं भी, हमें जो बात करनी है आपसे डायरेक्ट करी ना। और देखो भाई सीधी सीधी बात है, जो वो 15-20 दिन थे ना मेरे लाइफ के सबसे घटिया घटिया पल थे, वो पल भगवान मेरे दुश्मन के जिंदगी में मत लाए, हम दोबारा दुश्मन के भी आने नहीं नहीं आना चाहते। आपकी लाइफ है ये, आप रेगुलर में ये काम है आपका, ये तो आप करो, होंगे तो फिर आप हमें तो आप करो, वो आपके हर महीने 1.5 महीने में यही काम है वो आप करो, हमारा नहीं है हाथ जोड़, हमारे में कोई मतलब नहीं है। इसको खत्म करने की क्या जरूरत थी, फिर इसको ख़त्म नहीं करना था। आप भी समझ रहे हैं किन लोगों की वजह से ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, और जिन अच्छे लोगों ने अच्छा काम किया है ना उसको कायम रहने दो, मैं इतना ही कहूँगा। बस हमारा नाम ना लीजिए, ना हमने आपका कहीं लिया है और ना हम आगे लेने वाले हैं, तो इसके लिए हमें दूर रखिए, किसी भी तरह की गलतफहमी ना तो मन में लाइए और ना लोगों में फैलाइए प्लीज़। और नहीं, मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा ना, देखिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आपका झगड़ा चल रहा है, मुद्दे पे चल रहा है, बिना मुद्दे चल रहा है, तो पहली बात तो बिना मुद्दे होना नहीं चाहिए, दूसरी बात अगर मुद्दे पे चल रहा है तो मुद्दे पे चलाइए, लेकिन लैंग्वेज दोनों सुधारिए। बहुत आप लोगों ने सबसे भ्रष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है, और सब सोच सकते हैं कि ऐसी भाषा में कौन बात करता है, इस भाषा में कौन बात करता है, मेरे घर वाले एकदम स्ट्रिक्टली मना किए हैं, हमें दूर रखिए, कम से कम आप पता है हम ब्लॉगिंग से भी दूर थे और हमें इतनी फुर्सत नहीं है, हमारे दो घर में छोटे बच्चे हैं जिसमें एक तो एकदम छोटा है, जिसके लिए हमारे मन में भी उत्साह चलता है और तबीयत भी चलती है और भी चलती है, हमें इस पल को जीने दो। हाँ, हमने पहले भी हमारे बच्ची के 5-7 दिन मैंने, हाँ, मैंने वो 15 दिन मेरी बच्ची से दूर रह के मेरे को पता है मैंने क्या फील किया, और मन में इतना अफसोस है कि जो उसको प्यार जो उसको टाइम देना था वो 15 दिन सिर्फ ये गंदी कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में मेरे 15 दिन मेरी बच्ची से दूर रहे, सो मत करो ऐसा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कंट्रोवर्सी खत्म हुई ना उसके बाद मैंने इतना गंदा मेरा मन फटाना यूट्यूब से, आई स्वेयर झूठ नहीं बोलूंगी, शायद मैंने लाइव में भी ये बात बोली थी कि मैं व्लॉगिंग बंद कर दूंगी, और मैंने की भी थी 20-25 दिन और बंद और मैं व्लॉगिंग है आज मैं, भी। मैं आज भी व्लॉगिंग बंद, हमारे रिचुअल्स दिखाएंगे, हमारे घर जब जो फंक्शन होंगे वो लाऊंगी, या कोई मुझे लग रहा होगा हफ्ता एक हफ्ता 10 दिन में एक आध कोई व्लॉग आएगा वो लाएगा, मजबूर मत कीजिए, हमको नहीं बनाए घसीटने के लिए, मजबूर मत कीजिए, पैसे देके लोगों के तो किसी के विवाद होते ही रहेंगे, बार बार क्यों घसीटेंगे किसी में भी कुछ भी जो मन में आए, मतलब अपनी बात तो आप लोगों का सोचना है कि भी मैंने उनके चैनल पे जाके सहिता जी ने नहीं मैंने जेठू दर्ग ने उनके चैनल पे जाके कमेंट किया, तो उन्होंने उससे जब वो लाइव आए थे तो अचानक से मेरी नजर पड़ी, देखते तो सब है ना, हर इंसान उससे पहले उन्होंने हमारे लिए उससे पहले उन्होंने हमारे लिए बिना जानकारी के कुछ लोग बनाया था गलत सही, जैसे आपके लिए बना रहे गलत सही, मतलब उन्होंने अपनी राय रखी थी हमारे लिए भी, चलिए उनकी राय है उनका देखने के लिए, चलिए वो हमसे 1000 किलोमीटर दूर है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, हमारे जिनसे झगड़े हैं उनसे झगड़े नहीं तो किसी से नहीं है, और हमारे तो झगड़े हैं ही नहीं भैया, या तो रिश्ता है या तो नहीं है, दो बात है। इसके पहले वाली लाइव में भी यही बोला था
कि जिनको मैं फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, सिर्फ उन्हीं से मेरा रिश्ता है, अदर किसी से कोई किसी तरह का नहीं है, किसी भी तरह का जीरो अच्छा बुरा जीरो मैं जानती नहीं उनको। और आप सोच रहे होगा मैं फालतू में घसीटोगे, फिर और लोग घसीटेंगे, फिर घसीटेंगे, आप लोग पहले भी ऐसे घसीट चुके हो, लोगों को मत घसीटो भैया, दूर रखो सबको आपके झगड़ों से, आपके झगड़े आप लड़िए, दूसरों को मत घसीटिए और दूसरों का पता नहीं, कम से कम हमें मत घसीटिए भाई साहब, हमारा किसी में कोई इंटरफेयर नहीं है, है ना, हमने हमारे जीवन में की बात होगी तो हम अपनी आवाज उठाना जानते हैं, आप सब अच्छे हमको से किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोच रहे हैं अभी खत्म नहीं किए तो कुछ तो कारण होंगे, आप भी जानते हैं इन बातों को, और कम से कम जिन अच्छे लोगों ने इस झगड़े को खत्म करवाया है उनका तो महत्व समझिए, उनकी बात की जब उनकी वैल्यू तो समझिए, है ना, और आप भी समझदार हो। हाँ कि वो कहते हैं ना गड़े हुए मुर्दे उखाड़ोगे तो प्रॉब्लम ही होगी ना, चाहे हमको हो चाहे आपको हो चाहे किसी को, सबको होगी, तो इन बातों को मत घसीटिए और आप अपना जो भी आपका जो हाँ, काम है वो आप करते रहो, क्योंकि आपकी हैबिट है भाई, हमारी ये हैबिट नहीं है, हम नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते, आप सही हो, आप लोग ब्रेव हो, आप लोगों को परवाह नहीं होती, आप डरते नहीं हो, हम लोग डरपोक इंसान है, कमजोर इंसान है, हमको हमारी इज्जत से हद से ज्यादा प्यार है, हमें हमारी सीधी साधी जिंदगी जीने दो, और हम हमारे पास इतना ही समय है जितना हम अपने हक का अपने परिवार को अपने दोस्तों को या खुद को दे पाए, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा समय है नहीं, फिर हमें कुछ काम करना पड़ता है परिवार चलाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है सबको अलग अलग, तो कृपया करके आप अपने रास्ते रहिए, हमें हमारे रास्ते रहने दीजिए, आपको पता है जब से झगड़ा खत्म हुआ है जिस दिन अपनी लास्ट बात हुई है आपस में, हालांकि आपने तो उस बात का कायदा भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमने कहीं आपका कहीं नाम नहीं लिया है, है ना, और ना ही लेना पसंद करेंगे, ना नेगेटिव वे में ना पॉजिटिव वे में, मैं मेरी जिंदगी से वो पार्टी भूल गई, हम भी अच्छे इंसान है, मैंने फलाने बंदे से या फलाने ग्रुप से कभी मिली थी वो जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था मेरा, सो प्लीज जिन बातों को निकाल दिया फिर मैंने मैंने मेरे माइंड से हटा दिया, बार बार घसीटना इन चीजों, मुझे जीने दे दो यार प्लीज, आप लोगों की लाइफ है जो मर्जी है, मैं जो आपके विपक्ष में है मतलब जो अपनी बात कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं क्यों नहीं कह रहे हैं मुझे नहीं पता किस कारण से कह रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा नाम मत लीजिए, हम डरपोक है यार, हमको इज्जत की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, सीधे साधे बंदे हैं हम, नहीं कर सकते, हमारी फैमिली हमको अलाउ नहीं करती है कि हम ऐसा कुछ करें, सो नहीं, हमारा सोशल प्लेटफॉर्म मत छुड़ाइए, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं छुड़ाओ, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी के बाद घर वाले एकदम स्ट्रिक्टली मना है, और रही कि भाई मैं क्या कहने वाला था आपने फिर यार बीच में बुलवा दिया है ना, तो फिर आप चलिए जो भी बात, हाँ आपको शक इसलिए हुआ ना कि भैया मैंने उनके लाइव में जाके कुछ कहा, ये पहले बोल दिया डिलीट तो कौन है, हाँ तो फिर बस इतनी सी बात है भैया, बार बार कोई बात को रिपीट नहीं करूँगा, आइंदा कोशिश करिए कि हमारा नाम नहीं आए, हमारा नाम खरीदने बेचने में हमारा ये काम नहीं है भैया, आपने कहाँ देखा हमारा रिकॉर्ड है ना, ये काम हम नहीं करते हैं, तो इसलिए आप कहीं भी हमारा नाम नहीं लें, हमारे आपको देखना हो तो हमारा चैनल चेक करें, उसमें हम आपको हमारी मेहनत नजर आ ना, तो एटलीस्ट हमने आपके नाम को ही बैंड कर दिया है, हलाने का नाम मेरे इसमें नहीं आना चाहिए, सो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आपके मुंह से भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारा नाम नहीं आना चाहिए, आपकी पूरी फैमिली के मुंह से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आप क्या जानते हैं, अब आप फिर कोई आपके आपके वो उधर वाले आएंगे बोलने का ये नहीं है यार, नहीं है, इसलिए मैंने यूट्यूब ही छोड़ दिया, नहीं है नहीं है, मेरे बस का नहीं होता है, मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाती हूँ, बेमतलब के मुझे मत खींचो, छोड़ने का मतलब सर्कल, अब आप मत बोलते ना आपने यूट्यूब छोड़ दिया तो ये व्लॉग क्यों डाले, डालेंगे भैया, हमारे रिचुअल्स हमारी चीजें जो मेरी पहचान उसी से थी और वो डालेंगे, बस उसी को बीच में मैंने मेरा रास्ता भटक गई थी उसके लिए दिल से सॉरी है, दिल से सॉरी है, और मैं वापस मैंने हमारी जो ऑडियंस थी उनकी बात को समझ लिया और अपनी गलतियों को सुधारना उचित समझा और सुधार लिया, सुधार लिया, और आगे भी यही कोशिश रहे कि हम इन चीजों को सुधारते रहे, दोबारा गलतियां ना हो, देखो वो तो इंसान की प्रवृत्ति होती है कि भाई गलतियां होना, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन बस ईश्वर से प्रार्थना है कि हमसे गलतियां ना हो। एक रिक्वेस्ट और है कि जिनकी भैया विवाद हो, जिनके कंट्रोवर्सी हो, ये तो मैं कंट्रोवर्सी विवाद बार बार ये कहूँगा कि ये है ही नहीं, ये तो बहुत लो लेवल पे बातें चल रही है, शर्मनाक स्थितियां हैं, लेकिन चलो छोड़ो, फिर भी सो लोग कंट्रोवर्सी कहेंगे, मैं ये कहूँगा कि जब भी जिसकी कंट्रोवर्सी हो खुद पे सल्टो, हाँ कृपया करके दूसरों के नाम पे मतलब दूसरों के नाम बार बार नहीं अच्छे, ये बुरे, ये अच्छे, मैं दोनों पक्ष को बोल रहे हैं हम, दोनों पक्ष को, किसी को भी मत घसीटो, आप लोगों की लड़ाई आप लोग खुद सल्टो ना यार,
फिर आप लोगों को सबको डिस्टर्ब होते हैं। और ये तो आपने पहले भी किया था, हमारी हमारी कंट्रोवर्सी में भी आपने 5 लोगों को बेबुनियाद ले आए थे। आज हमें घसीट रहे हो, आज हमें घसीट रहे हो अपने उन दूसरे। अब आपको हो गया उन्होंने नाम लिया तो उनसे भी तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम दोनों से यही, उनसे हमारा पहला एक्सपीरियंस है लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें मत घसीटिए प्लीज, है ना, आना नहीं पड़े, बस रिक्वेस्ट है कहीं नहीं आना पड़े, हमें हाथ जोड़ के यही बात है, किसी भी वे में हमें नहीं आना पड़े, नहीं हम आना ही नहीं है प्लीज रिक्वेस्ट। और मैं उनकी सिस्टर से कहूँगा, आपसे तो मैसेज भी किया था सहिता जी को, सहिता जी ने आपको कभी रिप्लाई दिया? आप, मैं बोलती हूँ ये मुद्दे में, पॉजिटिव किया था आपने, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बताती हूँ, ये जो सामने वाली टीम की जो बहन है उन्होंने मार्च में मुझे मैसेज किया था, उस दौरान मेरा लोगों ने नहीं किया, हमारे नजदीकी लोगों ने नहीं किया, नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया था, बट मैंने रिप्लाई नहीं दिया, क्यों नहीं रिप्लाई दिया था, अच्छा किया था, लेकिन हमने आपका रिप्लाई दिया, रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप फलाने की बहन हो, मैं जान चुकी थी उनको, हमको, मेरे को ये नहीं है कि भाई से झगड़ा करके बहन से प्यार बनाऊं, बहन से झगड़ा करके भाई से प्यार बनाऊं, मेरा ये नहीं है रोल, मेरा हमारा जिनसे रिश्ते हैं सीधे हैं या तो नहीं है। और आप ये सोशल मीडिया जो हम लिखते हैं ना, वो हम पब्लिक के लिए ही लिखते हैं, फिर हम पर्सनली कुछ नहीं लिखते, हमें पब्लिक के लिए पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जो हम पर्सनली लिखते हैं ना किसी को, हम पब्लिकली भी लिख सकते हैं, और आपके लेवल के हम नहीं है, हमारी ही आईडी से लिखते हैं ना, तो हम कभी जिस लेवल की ये चल रहा है ना सर प्लीज, ये हमारा लेवल नहीं है, पब्लिक सारे ब्लॉगिंग देखती है भैया, तो पब्लिक को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो पब्लिक तो हर बार जब नया मुद्दा उठेगा तो फिर उठाएगी पब्लिक, हम किसी से झगड़ेंगे तो हमारे ऊपर भी उंगलियाँ उठाएगी, तो हमारे ऊपर उंगलियाँ उठेगी तो फिर हम क्या आगे पीछे के नाम थोड़ी लेंगे भैया, नई कॉन्ट्रोवर्सी नए तरीके से करो, पिछली कंट्रोवर्सी में रजामंदी मत करो, खत्म मत करो उनको, चलने दो भैया, क्योंकि हमारे तो चलेगी तो नाम लेना पड़ेगा, तो फिर इसको खत्म क्यों करना, इसलिए जिन्होंने जो खत्म करवाई है उन अच्छे इंसानों का महत्व समझो, और मतलब बहुत ग्रेट काम किया इन्होंने, जिन्होंने भी करवाई थी, पता है पिछली कंट्रोवर्सी में जानती है बहुत कुछ था मेरे को बोलने को, फिर भी मैं चुप थी, और इस वाले में भी बहुत कुछ है, वो बहुत समझदार थी, हमारे साथ बहुत से लोग चुप थे और उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया और इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने इस काम को निपटाया कि मैंने उनको एक बहुत बड़ा नाम दिया था, वो जानती है प्लीज, और मैं चाहती हूँ मैं जिंदगी भर चुप रहूँ, जिससे हम सबका भला हो, इंक्लूडिंग मी, हम सबका भला, बार बार मत घसीटो भैया, हमने उस आपकी आज इससे है कल फलाने से होगी, उसके पहले किसी और से होगी, वो आप सल्टो भाई, आपका ये डेली का काम है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमें कहीं मत डालिए, है ना, किसी में मत डालिए, हमारे ऊपर रिएक्शन बनाने हैं, रिएक्शन चैनल बना, हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था, अभी हमारी कंट्रोवर्सी के बाद ही पता चला, बनाने है बनाने दिए जिनको, मैं तो मेरे लिए कोई बुरा भी बनाता है ना तो हमें लगेगा तो हम पब्लिकली आपको जाके रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेरे लिए कोई बुरा भी बनाता है ना तो भी मैं कुछ नहीं रिएक्ट करती यार, उनकी थॉट सही है मेरे लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब ये बोल रहे हो ना कि भाड़े के टट्टू खरीद लिए, पहले भी यही चीजें बोली थी, पहले भी आपने दूसरी रिएक्शन यार, जब आपके पास इतने वीवीवीआई पे काम है, इतने पैसे हैं, इतनी चीजें हैं, आप क्यों नहीं खरीद लेते, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है ना, ना तो पहले भी हमने किसी को खरीदा, हमें झगड़ों मत घसीटिए, यही रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह के झगड़ों मत घसीटिए, और हमें नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जिनके दोनों साइड को भी यही बोल रही हूँ कि आप लोगों की लड़ाई लड़ाई लड़िए, अच्छे शब्दों में लड़ाई लड़िए, गलत शब्द से एक दूसरे के लिए माफी मांगिए, उन शब्दों को तुरंत खत्म करिए, और है मतलब सीरियसली ये वाईटी की सबसे गंदी लड़ाई, मतलब नीच परवर्ती की लड़ाई चल रही है, इन झगड़ों को खत्म कीजिए, यूट्यूब को बदनाम मत करो यार, यूट्यूब को बदनाम ना हो कि आपकी वजह से लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो, लोग है ना सारे वाईटी को बदनाम करने पे हो हैं कि ये क्या है, हर दिन लड़ाइयां हो रही है, वाईटी को बदनाम मत करो, मत करो अपनी अपनी स्वार्थ के चक्कर में पूरे यूट्यूब को बदनाम मत करो यार, इन हर ब्लॉगर को लोग है ना गालियां देने लग गए हैं, और तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, गिने चुने लोगों के लिए हर ब्लॉगर को गालियां देने लग गए, गाड़ी के पीछे लिखवाने का मन था यूट्यूबर, अब लिखवाने का मन उलट गया ना, मैंने इनको बोला मैं कुछ भी बन जाऊं मुझे यूट्यूबर नहीं बनना भाई, नहीं बनना मुझे यूट्यूबर, ठीक है, गलतियों का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, गलत करने वालों ने किया, तो घर पे आप दूर रहें और दूर रखें, हम वापस एक लाइन रिपीट करते हैं, ये आप भी दूर रहें, जो भी आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये अगर डीपली जाओगे, एक राय देती हूँ बिन मांगे एक राय, अगर डीपली जाओगे तो ये आपका ही किया हुआ सामने आ रहा है, जो आपने दिखाया है, कंट्रोवर्सी से नहीं लोगों के भी तो नाम ले रहे हैं, हाँ सिर्फ हमारे पे नहीं जा रहा, और फिर दूसरी बात उनको भी क्यों ले रहे हो भैया, किसी को भी मतलब बड़े सीधे साधे बंदे हैं यार, वो अपना कितनी कितनी साधारण ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फिर उनका भी नाम लिया जा रहा है क्यों भाई, आप लोगों की लड़ाई है, आप लोग सल्टो ना यार, हम लोगों को काहे को बीच में ले रहे हो, आपकी बात किसी के ऑडियंस को बुरी लगी, वो उसने बोल दिया, आप पढ़ो कमेंट्स पढ़ो सारे, हम भी पढ़ रहे हैं,
पर तो हम भी रहे ना, जब हमारी कंट्रोवर्सी पे है, आप लोग हमारे बिना कुछ बोले नज़र रखते हो, तो बताओ हमें तो नज़र रखनी पड़ती, तभी हमें आज ये वीडियो डालना पड़ा, नहीं तो हमारे मुंह से कहीं कुछ सुना क्या आप लोगों ने? सिंगल नेगेटिव पॉजिटिव नाम किसी के लिए भी, हम तो देखना तक बंद कर दिए थे हमारे काम के अलावा किसी भी चीज़ को। कृपया करके रिक्वेस्ट है, और मैं चाहूंगी कि इस मुद्दे पे मुझे वापस नहीं वीडियो बनाना पड़े, रिक्वेस्ट है। जीने दो, हमें हमारे रास्ते चलने दो, आप अपने आपकी अपने जो मर्जी है वो करो, जो मर्जी है बस दूसरों को मत कहो। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना रहेगा, जिंदगी भर नहीं रहेगा, और जो पुराने पल थे वो मैं एक मेरे जिंदगी का काल समझ के भूल गई। तो प्लीज, जो आपके साथ अच्छे पल बीते थे, वो बुरे पल बीते थे, बहुत बहुत मेरी जिंदगी का कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। प्लीज प्लीज, आप कहीं पे भी, आप किसी के ब्रॉडकास्ट में जाके भी अच्छा बुरा कुछ मत बोलो हमारे बारे में। मेरा नाम, हम दोनों का नाम आना ही नहीं चाहिए, ना आपके मुंह से डायरेक्ट में, ना आपकी फैमिली के मुंह से इनडायरेक्ट में, नहीं आना, नहीं आना। प्लीज हमें माफ करो, हम नहीं है, हम नहीं सक पाएंगे, हमें माफ कर दो यार। हाँ प्लीज, बस।